हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ये जो हार्ट शेप का कुशन कवर होता है इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे हमने इसमें दो पैंच दिए हुए हैं, एक बड़ा एक छोटा, और नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे हमने ये जिप लगाई हुई है। इस तरीके से पूरा पीस हमने इस तरीके से यहाँ पे रेडी किया हुआ है। तो आइए इसकी सीखते हैं कटिंग कैसे की जाती है और कैसे स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जब हमने यहाँ पे ये वाला पीस तैयार किया था, कुशन तैयार किया था, तो हमने एक फर्मा कटिंग किया था। ये वाला हमारे पास है फर्मा 16x16 का, जिसमें हमें शेप दे के यहाँ पे ये कंप्लीट किया हुआ है। तो इसी के साथ का हमें यहाँ पे ये तैयार करना है दूसरा पीस। तो पीस तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे जो कपड़ा लिया हुआ है वो लिया हुआ है वेलवेट का, जो सैनियल या वेलवेट होता है वो लेना है आपने। और इतनी लंबाई चौड़ाई हमारी होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो, ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। एक हमने पीस लिया हुआ है नीचे के लिए, इसमें लगाई हुई है हमने यहाँ पे जिप, ये हमने जिप लगाई हुई है, ये ध्यान रखें। और तकरीबन तकरीबन हमने यहाँ पे ये 6 से 6.5 इंच की जो पट्टी थी इसमें जिप लगाई हुई है, और नीचे का भाग थोड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो सेम साइज के हमारे दोनों पीस यहाँ पे इस तरीके से हो जाते हैं। अब बनाना है हमें यहाँ पे डिजाइन। तो दोनों पीस तो हमारे यहाँ पे सैमनील वाले हो जाते हैं जो कि ऊपर और नीचे के लिए होंगे, लेकिन हमें बीच साइड में यहाँ पे रेड कलर के कपड़े का एक डिजाइन बनाना है। तो ये है रेड कलर का कपड़ा, इसमें हम जो साइज है ये हमारा 6 इंच का ऐसे होगा और इस तरीके से 6.5 होगा। तो इसकी हमें कटिंग करनी है, यहाँ पे भी हमें फर्मा लेना होगा। तो ये हमने पीस लिया है डिजाइन बनाने के लिए, फर्मा कटिंग करेंगे 5.5 इंच, और इस तरीके से देखेंगे ये भी हमारा 5.5 इंच होगा। इसमें हमें यहाँ पे शेप डाल देनी है सेम ऐसी ही, जैसा ये हार्ट शेप है वैसी हम इसमें शेप डालेंगे। तो इसको हम यहाँ पे डबल कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे चलेंगे, और यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ग्रह के ऊपर रेड कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कटिंग कर लिया है, जो कि हमारा यहाँ पे आएगा ऐसे। देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन आ जाएगा। अब जो हमने रेड कलर का यहाँ पे ये कपड़ा लिया हुआ है, इसके ऊपर हम यहाँ पे ये इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे तो लगा लेंगे एक कट ऐसे, बाकी सभी जगह से ये फोल्ड कर देंगे। इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इस कपड़े को यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे, तो हल्का सा हमें यहाँ पे पानी लगाना होता है, ये ध्यान रखें, और यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे। इसी तरीके से इस साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड से यहाँ पे इस तरीके से ये लगा दिया है। अब हमें जो मेन फैब्रिक है हमारा ये लेना है, यहाँ पे ध्यान रखिए मेन फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना है, और हमें यहाँ पे लगाना है निशान। ये हम रोंग साइड में लगाएंगे, जो उल्टी साइड होता है उस साइड हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे।
अब हम यहाँ पे आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हैं और बाकी सभी जगह से कपड़ा जो होगा वो कट कर देंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे डबल करेंगे ऐसे। सेंटर पॉइंट बना लेंगे। सेंटर बनाने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे ये पीस लगाएं तो हमारा चारों साइड बिल्कुल इक्वल आए। तो ये वाला पीस हम यहाँ पे इस तरीके से अटैच करेंगे ऐसे। तो अब चलते हैं मशीन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो हार्ट शेप का रेड कलर का पीस है ये अटैच करेंगे और फिर कुशन तैयार करेंगे। दोस्तों स्टिचिंग के लिए मशीन पे आ चुके हैं। तो जहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाते हुए ये सेंटर लगाया था, निशान लगाया था सेंटर का, वहीं पे हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की साइड एक पीस ये लगा लिया है और सेम इसी कलर में हमने दूसरा एक इससे छोटा पीस तैयार किया है जो कि हमें यहाँ पे नीचे की साइड लगाना है। तो आप ध्यान दें, दोनों पीस हम यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे और नोक हमारी सेंटर में होनी चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये भी मैं लगा लेता हूँ ऐसे ही। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पीस यहाँ पे लगा लिए हैं, एक बड़ा एक छोटा। हार्ट शेप के दोनों पीस कंप्लीट होने के बाद अब नीचे वाला जो पीस है जिसमें हमने जिप लगाई हुई है इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसको पलट लेंगे ऐसे। और यहाँ पे ऐसे सेट करने के बाद यहाँ पे आपने ध्यान देना है दोनों साइड ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है इसमें जिप फंस जाती है तो जिप का आपको ध्यान रखना है, ऐसे बाहर की साइड रहे निशान से। और अब हम यहाँ पे जिप वाले पॉइंट से ही शुरुआत करेंगे सिलाई की। बराबर बराबर इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये कटिंग कर ली है, ये स्टिचिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर बराबर इस तरीके से। और यहाँ पे हमें जो नोक होती है उस पर लगाना है एक कट और बाकी सभी जगह से बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें नीचे की साइड से
ये जो जिप है ये ओपन करनी है ऐसे, और ओपन करने के बाद ये हम निकालेंगे नोक, इस तरीके से नोक निकाल लेनी है और पूरा कुशन ऐसे पलट लेना है। यहाँ पे गोलाई को भी ध्यान देंगे, अच्छे से गोलाई सेट कर लेंगे। देखिए जो कुशन कवर है हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो जाता है। अब हम इसमें अंदर कुशन डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अंदर की साइड डाल दिया है हमने कुशन, और नीचे की साइड हमारी ऐसे आएगी, ये जिप आएगी, और यहाँ पे इस तरीके से पूरा पीस हमारा रेडी होके देखने में लगता है। देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे ब्यूटीफुल सा ये हमने कुशन कवर तैयार किया है। यहाँ पे हमने हार्ट शेप के दो पैंच लगाए हैं, बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, और पूरा का पूरा डिजाइन हमने यहाँ पे रेडी करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।